सुनो भाई, देखो हमारे पास आज एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। भाई चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर तुम्हें वो सारी बातें पता होती हैं जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो चैप्टर को करने में थोड़ी सी आसानी होती है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे डाल लो। भाई हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। ठीक, सबसे भाई इसमें जो हमें पहला पॉइंट जो है ना, देखो जो हमें पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि पहले हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल एक मतलब निकल के आता है कि किसी भी घटना के घटित होने के जो भी हमारे पास एक तो इस मतलब संभावना होती है, कोई घटना है, कुछ काम है, ठीक है, उसके होने या ना होने की जो संभावना है ना, जो चांस है, उसे क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो किसी भी इवेंट के हैपन होने के जो चांसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो भाई मेरे पास क्या है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं किसी घटना के घटित, किसी घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है भाई, कोई घटना है, ठीक है, उसके घटित होने की संभावना उसे क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, तो वही मेरे पास है कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, मतलब कोई सा काम है वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इससे पहले ना देखो भाई, जैसे मान लो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दूं, मान लो मैंने, मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, ये ना मतलब कि कॉमन एग्जाम्पल है, सिक्के वाला क्या है, ये एग्जाम्पल सब देते हैं, तो मैं भी वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहला मैं तुमसे बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास क्या है, एक सिक्का है, एक कॉइन है, उसको मैंने उछाला। ठीक, उछाल तो उसमें भाई दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक जिसको हेड बोलते हैं, उसका चित और पट होता है। ठीक, तो जैसे मैं सिक्के को उछाला, ठीक, तो उसमें टोटल फेस कितने, दो, दोनों में से मेरे पास है कि एक आने का चांस है। ठीक, दो तरीके है ना, दोनों में से मेरे पास भाई कोई सा एक आएगा, तो जो भी कोई एक आएगा हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो सिक्का उछाला, टोटल चांस कितने भाई, दो चांस है ना, दो में से कोई एक आएगा हमेशा। ठीक है, फिर तुमसे अगले, अगर मैं अगली बात बोलूं कि मेरे पास एक डाइस है, पासा, इसको तुम कोई लोग छक्का भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या भाई, उसमें टोटल छह होते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह ऐसे होते हैं, तो उसमें टोटल चांस कितने आने के, छह चांस है। ठीक है, तो मैं क्या करूं भाई, छह में से कोई सा एक आएगा, तो हमें ना क्या ध्यान रखना चाहिए, टोटल चांस कितने हैं, तो चांस की बातें करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, तो नॉर्मली मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास क्या है कि एक डाइस है, ठीक है, उस डाइस को मैंने थ्रो किया, ठीक है, डाइस को मैंने फेंका ऐसे करके। ठीक, डाइस को फेंकने के बाद जो भी हमारे पास आएगा, टोटल चांस कितने, छह। ठीक है, तो भाई ऐसे अगर मैं छह की बात कर दूं, छह में से कोई सा एक आएगा ना, ये चीज होती है। चलो मैं तुमसे ना अब ऐसी और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, उस बकेट में, अच्छा कभी कोई छोले भटूरे खाने गया ऐसे नॉर्मल मार्केट में, ठीक है, जो नॉर्मल मार्केट है उसमें जाकर छोले भटूरे खाने के, उसमें होता ऐसा है भाई, स्टिकर होते हैं, ठीक है, वो ना स्टिकर देते हैं, उस स्टिकर पे ना नंबर लिखे, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, मान लो ऐसी बकेट है, ठीक है, उसमें एक से लेके 80 तक ना नंबर लिखे हुए स्टिकर पे। ठीक, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने उसके अंदर हाथ डालना है और कोई सा एक नंबर निकालना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर बोलूँ कि मेरे पास ऑड नंबर हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, टोटल ऑड नंबर, इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर क्या होता है, एक तीन पांच सात नौ, इस तरह से होते ना ये, तो भाई जितने भी विषम होंगे वो सारे ऊपर और 80 टोटल नीचे। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, जब आए कराऊंगा समझ में आ जाएगा, बस जो तो लास्ट का एग्जाम्पल है ना, बस तुम्हें यार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनो भाई, दूसरे नंबर पे हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और इसको डिवाइड करना होता है हमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है भाई, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं ना तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा, पीई इज इक्वल टू, हम इसको बोलते हैं ई के अनुकूल
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको डिवाइड करना है ई के कुल परिणामों की संख्या। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, मेरे पास पहला क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसे अगर हमें डिवाइड करना है ई के कुल परिणामों की संख्या से। ठीक है, अब सुनो भाई, यहां पर पी मेरे पास क्या है, पी मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई जो अगली बात कर दूं मैं, जो ई है ये मेरे पास था इवेंट, घटना। ठीक है, अब सुनो भाई, जो अगर मैं इसके आगे थोड़ी सी बात करूंगा मैं, तो मैं ना इसको बताइए जो फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले को तुम्हें एक ना एग्जाम्पल क्वेश्चन की हेल्प समझा रहा हूँ, एक जो मेरा क्वेश्चन होगा उसको उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर उसकी हेल्प से पूरे पूरे क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास जो एग्जाम्पल लेके चलो मैं, एग्जाम्पल ऐसा मेरे पास एक सिक्का, एक कॉइन है, एक सिक्के को लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो सिक्का मेरे पास है ना भाई, इसको मैंने उछाला, इसमें टोटल मेरे पास कितने चांस है भाई, टोटल मेरे पास जो चांसेस है वो दो चांस है। ठीक है, एक मेरे पास आएगा हेड, दूसरा मेरे पास है टेल। ठीक है, एक को हम चित बोलते हैं और दूसरा मेरे पास क्या भाई, पट्ट है। ठीक, एक है वैसा चित, उसके पास क्या भाई, पट। तो हमें क्या करना है, अब मैंने तुम्हें ना पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पहला दिया, मैंने बोला कि बच्चों तुम क्या करो उसमें ना, मेरे पास निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, चित आने की प्रायिकता बता दो। बस हमारी क्या बोला मैंने भाई, जो चित है उसकी प्रायिकता बता दो, और जो दूसरा मेरे पास है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे तुम ना जो पट है, जो टेल है, उसकी उसकी जो प्रायिकता है वो बता दो। ठीक, मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला मैंने बोला कि भाई तुम बताओ कि जो यहाँ पे ना हेड आने की चांस, दूसरा वैसे टेल आने की चांस, ऐसा बोला। तो अगर मैं नॉर्मली ये वाली बात बोल दूं कि भाई तुम्हें हेड लेके आओ या फिर टेल लेके आओ, तो किस तरीके से करोगे ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला भाई, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, जब भी तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हो, मान लो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया ये, ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट में दो पार्ट है ना, तो हम बस एक बार फॉर्मूला लिखेंगे इसका, हर एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसका आंसर लिखूं, ऐसा होता पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर बोलो नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है भाई, इसको नॉर्मली हिंदी में बोले तो वही है मेरे पास, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और डिवाइडेड बाय ई के कुल परिणामों की संख्या। तो अब मैं इसमें भाई पहला सॉल्व कर रहा हूं, मैंने पहला क्या लिया है, पी ई, देखो भाई सिक्का उछाला मैंने, तो सिक्के को उछालते वक्त टोटल चांस कितने भाई, दो है, वास्तव में आ रही है, टोटल चांस कितने मेरे पास भाई, दो चांस है। तो नीचे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल कितने मेरे पास, एक ही रहा, एक ही रहा, दो चांस है टोटल, दो लिखा मैंने नीचे। ठीक है, क्या निकाला मेरे को, यहाँ पे ई है, ई मेरे पास क्या लेके चलना भाई, ई जो मेरे पास है हेड है, तो हेड कितने बार आएगा, एक ही बार तो आएगा ना, मैं सिक्के को अगर उछालता हूँ ऐसे करके, सिक्का मैंने उछाला, ठीक है भाई, आएगा तो एक बार, दो बार कभी नहीं आ पाया सिक्के में, भाई दो बार आ जाए, मैं दो बार उछालूंगा तब बात पड़ती है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं तुम्हें एक सिक्के वाला बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा दो सिक्के वाला, तीन सिक्के वाला, चार सिक्के वाला, ऐसा बताऊंगा लाइन से। ठीक है, वो सारा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो हेड है भाई कितना मेरे पास, एक बार आएगा तो 1/2, आंसर कितना है 1/2, या फिर तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, ऊपर का नंबर तुम्हें अंदर लिखना होता है और नीचे का नंबर बाहर, तुम्हारा आंसर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर जो मेरे पास दूसरी चीज है, जो दूसरा मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक, देखो ये वाला हो गया, अगला मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, तो टोटल तो मेरे पास सेम रहेगा भाई, जो टोटल आउटकम है मेरे पास वो सेम रहेगा, उसका जो ऊपर का नंबर है वो चेंज होगा। देखो अभी भी अगर मैं सिक्के को छालता हूं तो मैं भाई वही पूछूंगा कि बताओ टेल आने के चांस कितने हैं, अगर मैं टेल की बात कर दूंगा भाई एक ही बार तो आया टेल, ठीक, तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, एक ही लिखूंगा। बोलो भाई ये वाली बात समझ आ रही है, इसके ना कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, उसको थोड़ा देखना फिर आज।
भाई अगला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ना क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया, उसमें डाइस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है भाई? डाइस की बात चल रही है, इसको पासा बोलते हैं। ठीक, अब सुनो, जो मेरे पास डाइस है उसमें क्या होता है? एक लिखा होता है, एक, दो, तीन, चार, फिर अगला मेरे पास है पांच, फिर अगला मेरे पास है भाई छह। बोलो ये बात समझ आ रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, टोटल क्या ऐसे होते हैं। अब मैं तुम्हें ना भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ, यहां सुनो। सबसे पहले भाई मैंने बोला तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो आने की, बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए भाई? जो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता कितनी आनी चाहिए? दो आनी चाहिए। और जो अगला मेरे पास है तीन आने की, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें अगला बोला कि भाई मेरे पास ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक, फिर अगला मेरे पास है इवन आने की, ठीक है, उसको सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास है प्राइम नंबर आने की, जो भाई प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। ठीक, फिर अगला मैंने बोला मेरे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट आना चाहिए, उसको भाज्य बोलते हैं, ये आना चाहिए। बताओ भाई ये वाली बातें पता लग रही है? मैं तो मैं ना ये सारे सारे दिए, इसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, ये नंबर है मेरे पास। अब ना इसमें अगर मैं कुछ और लू वो भी देख लो। पी मेरे पास क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ सात आने की चांस बताओ। ठीक है, अगला बोल दू मेरे पास क्या है? लेस देन, लेस देन सेवन। ठीक है, अगला मतलब इसको बोलता हूँ सात से कम, सात से कम आने के चांस बताने। ठीक है, फिर मैं तुमसे अगला बोल रहा हूँ भाई मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है मेरे पास बिटवीन थ्री एंड फोर, तीन और चार के बीच का। ठीक है, फिर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ तीन तथा चार के बीच, तीन तथा चार के बीच। ठीक, और जो अगला मेरे पास है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चार तथा छः के बीच, बिटवीन फोर एंड सिक्स। ठीक है, चार और छः के बीच, चार और छः के बीच। ठीक है भाई, तुम्हें पहले क्वेश्चन पता लग रहा है क्या क्या है मेरे पास? अब भाई मैं ना कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह चार साल में धक रहा हूँ लाइन से मैं। अब सुनो, मैंने अगला बोल दिया भाई कि मेरे पास क्या होना चाहिए। हाँ भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना लेस देन सेवन हो गया, लेस देन सेवन, ठीक है, हो गया। मैं बोल रहा हूँ एक से अधिक, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक। ठीक है, अब देखो भाई ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ना, अगर मैं सबको लाइन से सॉल्व करूं तो मैं इतना बता रहा हूं कि तुम्हारा अगर जो बेस जो भी बिगड़ा हुआ है वो आराम से सुधर सकता है। ठीक है, अब सुनो भाई, पहले मैंने तुमसे क्या बोला कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फॉर्मूले को, तो तुम्हें फॉर्मूला लिखना है हमेशा। ठीक है, पास में आ रही है? देखो भाई अभी सिर्फ जो तुम्हारे पास दूसरा पॉइंट चल रहा है, हाँ भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला आंसर को लिखने से पहले, हम क्या लिखते हैं हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे। तो वही लिखेंगे P E is equal to, हिंदी में लिखेंगे E के अनुकूल परिणामों की संख्या और डिवाइडेड बाय E के कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, अब भाई पहला मैंने बोला मेरे पास दो आना चाहिए। ठीक, पहली बात देखो, जैसे मैं तुम्हें ना अभी तो सिक्के वाले में, जो मेरा सिक्के वाला था, सिक्के में टोटल चांस कितने थे भाई? टोटल चांस है दो। ठीक है, इस पर टोटल चांस कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। टोटल में कितने चांस है? छह चांस है। छह चीज आ सकती है ना भाई, तो जितनी चीजें आ सकती है मेरे पास उतने ही चांस होते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मेरे पास टोटल चांस कितने? छह। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन लू, सुनो, जो पहला मेरे पास है, देखो अगर मैं पहले वाले को लेकर चलू तो भाई पहले मेरे पास क्या है? दो है। ठीक है, मैंने क्या बोला प्रायोरिटी कितनी भाई? दो की। तो मैंने बोला मेरे टोटल चांस कितने हैं? छह। दो कितने बार आएगा? दो कितने बार आ सकता है भाई? मैंने सब पासा फेंका एक बार, तो एक ही बार दो आने चांस है ना? दो आने चांस कितने हैं? सिर्फ एक बार है, समझ रहे हो?
छह में से दो कितने बार आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, तो एक चांस है, 1/6 ये आंसर। दूसरा जो मेरे पास पी है वो तीन आने का, भाई तीन भी वैसा ही है, ठीक है, छह, मैंने अगर पासा मेरे हाथ में मैंने से फेंका तो तीन कितने आ सकते हैं, एक ही बार तो आएगा, कभी ऐसा पॉसिबल है तीन दो बार आ जाए, पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास 1/6। फिर अगला भाई ऑड नंबर है, ऑड विषम, पहले समझो भाई मेरे पास ना जो विषम है होता क्या है, विषम संख्या वो होती है जो मेरे पास दो से डिवाइड नहीं होती पूरी तरीके से, मतलब एक तीन पांच सात नौ इस तरीके से, ठीक। तो देखो विषम कौन कौन सा है, एक है तीन है और पांच है, तो क्या लिखूंगा भाई, एक आ गया तीन और पांच, ठीक है, तो ये तीन नंबर है, टोटल नंबर कितने होगा, बस तीन हो गए ना, तो नीचे तो छह रहेगा ऊपर में बस तीन कट रहा है, तो क्या कर दो 1/2, तीन से एक बार में तीन से दो बार में, बस मांगी मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2। अगला जो मेरे पास है वो है इवन नंबर जिसको सम बोलते हैं, भाई जो सम संख्या है टोटल तो नीचे छह ही रहेगा, ठीक है, सम संख्या में बस का भाई वो दो होती है, दो चार छह, ठीक है, इस तरह से होता है भाई, सम संख्या वो होती है जो दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, टोटल कितने नंबर है, तीन नंबर है, फिर तीन कट के आंसर 1/2। अगला जो मेरे पास है ना भाई वो क्या है, बोला है प्राइम नंबर, ठीक है, पहले समझो मेरे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर में बस वो सारे के सारे नंबर हो जाते हैं जो कि भाई सिर्फ खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, बस मारिए प्राइम नंबर मेरे वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, किसी और से ना हो, वन को छोड़ के, ठीक है। तो भाई मेरे पास पहला क्या है, दो है, प्राइम है ना अभाज्य, ठीक है, दो आ गया, ठीक है, तीन आ गया, पांच आ गया, ये तीन नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, किसी और से नहीं होते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, नीचे मेरे पास छह रहेगा ऊपर तीन कट के 1/2, ठीक है। अगला जो मेरे पास है वो समझो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और किसी और से भी डिवाइड हो जाए, देखो खुद से डिवाइड होगा, वन से डिवाइड होगा, किसी और से भी डिवाइड होगा, किसी को शॉर्ट में लिखना लिख लो, ये स्टार्टिंग वाली जो तुम्हारी पहली क्लास थी ना मैथ्स की, वो सारी सारी बातें हैं। तो भाई मेरे पास यहाँ पे पी कंपोजिट जिसको हम बोलते हैं भाज्य, तो क्या मेरे पास भाई टोटल नीचे छह होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से मेरे पास हो गए, इसमें देखो मैं एक से लेकर छह तक, पहला मेरे पास चार आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा छह, चार और छह के अलावा कोई सा नहीं है, ठीक। तो नंबर कितने, दो कटा एक बार में, कटा बस तीन बार में, तो आंसर 1/3, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास भाई उसने बोला सात, भाई ये बताओ क्या उसमें सात आ रहा है, ठीक है, तो नंबर तो एक बार में आएगा, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास, मैं बोलूँ कि सात आने के चांस बताओ क्या, मैंने पास लिया फेंका, ठीक है, आ नहीं सात, तो एक बार भी नहीं आया ना सात, तो जीरो होगा फिर, तो मैंने क्या बोला भाई, उसने बोला मेरे पास प्रोबेबिलिटी सेवन आने की, तो नीचे सिक्स ऊपर जीरो, जीरो बाय सेवन और जीरो बाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, यही बात तो बताया ना, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर तुम्हारा जीरो आता है, ठीक है, जीरो को किसी से डिवाइड कर दोगे ना आंसर तुम्हारा जीरो आएगा, ठीक है, या फिर जीरो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा भाई, जीरो ही आता है। अब सुनो अगला क्या है मेरे पास, हाँ भाई सात से कम, मेरे पास अगला क्या है, लेस देन सेवन है, ऊपर का होगा सबका भाई, नेक्स्ट मेरे पास है लेस देन सेवन, भाई सात में रिटर्न करो सब, और जो वीडियो से करेगा रोक रोक के करेगा, वो लेस देन सेवन है, सात से कम है, बताओ भाई सात से नंबर कितने कम है, सारे सात से कम सात है ना, अगला जो मेरे पास है लेस देन सेवन है, ठीक है, सात से कम, तो एक दो तीन चार पांच छह सारे सारे छोटे, एक भी आ जाएगा उसमें, दो तीन चार पांच छह सारे के सारे, तो 6/6 आंसर 1, बस तुम्हारी। अगला भाई जो हमें नेक्स्ट बात ध्यान रख के चलनी है वो क्या है, मेरे पास क्या रखी, बिटवीन 3 और 4, तीन और चार के बीच का, मतलब तीन और चार के बीच कुछ आता है क्या, तीन और चार के बीच कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है भाई, तो मैं कुछ बातों और बता रहा हूँ, देखो जैसे ना मेरे पास क्या, उसने बोला सात से कम, तो सारे के सारे चांस है, तो
हमारे पास बात ये पड़ती है कि ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो एकदम फिक्स्ड है, जो निश्चित है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक होती है, ठीक है। दूसरा, ऐसी घटना, ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, ये मान लो जिसका चांस है ही नहीं एक भी। छपाई बाद में जाएगी, शांति सुन लो, ठीक है। मैंने कहा भाई ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जिसके चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई सात से ज्यादा, मैं पूछ रहा हूँ कि सात से ज्यादा पॉसिबल है कभी? सात से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? जीरो। तो ऐसे इवेंट जिसका होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा देखो, जिसका होना ना मतलब जो हो ही नहीं सकता, उसे पहले बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। लिखा हुआ सारी बातें वाली। मैंने बोला ऐसी घटना जिसका होना संभव ही नहीं है, उसको असंभव घटना बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। बात समझ आ गई वाली बात? नेक्स्ट भाई सुनो, अगला वर्ष क्या है? तीन और चार के बीच। तो भाई क्या बताओ, ये पॉसिबल है क्या? थ्री एंड मतलब बिटवीन थ्री एंड फोर, बिटवीन थ्री एंड फोर, तीन और चार के बीच है। बताना तीन और चार के बीच क्या आ रहा है भाई? कुछ आता है क्या? नहीं आता। तो मेरे पास क्या है? जीरो, आंसर जीरो। अगला मेरे पास है बिटवीन फोर एंड सिक्स, चार और छह के बीच का नंबर, और होते हैं, ठीक है। वो देखो ना कर रहा हूं भाई, फोर एंड फाइव, ठीक है। चार और पांच के, एक तीन और चार है ना भाई, तीन और चार के बीच में। अच्छा चार और छह, भाई क्या कर रहा हूं, सुनो, चार और छह के बीच में। तो भाई कितने मेरे पास? एक नंबर है, एक बटे में छह। लास्ट में बस है मोर देन वन, एक से अधिक, कितने हो सकते हैं? पांच। मेरे पास एक से ज्यादा कितने होंगे? पांच ही होंगे। तो भाई देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मोर देन वन, मोर देन वन है, ठीक है। तो टोटल छह भाई, और कितने आ रहे मेरे पास? एक से ज्यादा कितने? दो, तीन, चार, पांच और छह। तो कितने भाई? पांच है ना टोटल, पांच नंबर, एक दो तीन चार पांच, पांच नंबर, पांच बटे छह आंसर है। सबको अली बातें पता लग रही है भाई? देखो ये चीज ना तुम्हारे बेस को हद तक इंप्रूव करती है, ठीक है। थोड़ा फुर्ती में नोट डाउन करो इससे पहले। देखो भाई, तो मेरा दो पॉइंट टोटल करवा चुका हूं। अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट है, समझो भाई। तीसरे पॉइंट में मैं तुम्हें बताने क्या वाला हूँ। तीसरा पॉइंट मेरे पास ऐसा है जिसमें हम ये वाली बात सीखेंगे कि किसी भी काम का होना, ठीक है, कि देखो कोई काम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, और प्लस वही काम नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो आंसर एक आता है, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, और इसमें ऐड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग सेम इवेंट इज इक्वल टू वन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि किसी घटना के घटित घटित होने की प्रायिकता, और प्लस कर दो उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास ना कोई सा देखो कह रहा कोई घटना है, ठीक है, उसका चांस और उसी घटना के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो कोई घटना है, ठीक है, उसके घटित होने की जो प्रायिकता है और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, अगर दोनों को जोड़ दो आंसर मेरा एक आता है, ठीक है। मेरे पास ऐसे है, अगर इंग्लिश में नॉर्मली बोले कोई इवेंट है, ठीक है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस कर दो उसी में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर एक आएगा इसका। तो मैं भाई देखो ऐसा बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले लो उसका। मेरे पास एक कॉइन है, ठीक भाई, कॉइन की बात करूं तो अच्छा इसका ना फॉर्मूला ऐसा होता है, पीई प्लस पीई नॉट
इज इक्वल टू वन है, बस मारिए। मैंने क्या लो भाई, पीई प्लस पीई नॉट, इसको ना जो बार लगाना उसको बोलते हैं नहीं, ठीक है, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू वन होता है। तो मैंने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, मेरे पास या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आएगा, ठीक। मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया, मैंने बोला भाई कि बच्चों ये बताओ मेरे पास ना हेड आने के चांस क्या है, ठीक है। दूसरा मैंने बोल दिया कि भाई हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, इसका जब भी बार लगा दूं इसका मतलब क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड दोनों निकाल दो, ठीक। तो पहला मैं वही करूंगा भाई, अगर इसका मैं आंसर लिखना शुरू करूं तो पहले इसका लिखूंगा फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। इसको ऊपर लिखा, इसको लिखा नीचे। तो पहला जो मेरे पास है भाई, उसने बोला है कि मेरे पास हेड आना चाहिए, ठीक है। तो हेड आने की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए टोटल चांस कितने हैं, दो है, एक हेड दूसरा टेल, तो टोटल दो है। हेड कितने बार आएगा, एक बार, ये आ गया। चलो भाई फोकस करो यहाँ पे, अब मैं तुमसे ना दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट को समझ, नया पॉइंट है ये, पॉइंट तो पुराना है समझा चुका हूं, ये नया पॉइंट है। मैंने बोला भाई हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है, हेड क्या मेरे पास नहीं आना चाहिए। देखो नीचे तो दो ही रहेगा, नीचे मेरे पास रहेगा दो ही। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, अच्छा तुमने कॉमन सेंस लगाओ, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, ये तो है, हेड नहीं मिस करेगा तो भाई टेल आएगा। ये सिर्फ मैं तुम्हें इन बातों को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसा बोला तो भाई वही टेल कर दो, टेल में उस कितने बार आएगा, एक बार, ठीक है। तुमसे मैंने क्या बोला था, ये वाली बात कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब कि किसी भी घटना घटित होना और उसी का ना होना आंसर एक आता है, मतलब कि किसी भी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, अगर इनको जोड़ दे आंसर कितना आएगा, एक आएगा। देखो ये होने वाली बात है और ये ना होने वाली बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी एक बटे दो है, इसकी भी एक बटे दो है, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1/2 और प्लस में 1/2, जब नीचे का नंबर सेम होते हैं एक बार लिखते हैं, ठीक है, फिर भाई 1 और प्लस में 1, तो मैं कितना 1/2 / 2, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो कट के आंसर कितना आता है, एक, बताओ भाई ये बात में आ गई। देखो एक तो मैंने ऐसा निकाल दिया इसको, एक तो ऐसा निकाला, इसी का दूसरा तरीका भी है निकालने का, ठीक, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे हमेशा। देखो भाई तरीका कैसा है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो तो मेरे पास है ना, एक बटे दो ये है, मुझे दूसरे नंबर पे क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ठीक है, हेड ना आना चाहिए, ठीक है। पहला मैंने निकाल रखा है, पहला मैंने यहां से निकाल दिया, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे समझो, जब भी हमें ऐसा वाला करना होता है, ठीक है, और हमें एक दे रखा है पहले से या फिर हमने निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फॉर्मूला पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू वन है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, जो पी एच और प्लस पी एच नॉट, एच नहीं, इज इक्वल टू वन है, तो ये तो मेरे को पता है ना, ये कितना है भाई 1/2 प्लस में पी एच नॉट इज इक्वल टू वन, इस साइड प्लस है उस साइड आके माइनस 1 - 1/2। तो देखो भाई पी एच, तो मैं भाई ऐसा क्वेश्चन सिखा चुका हूं पहले में स्टार्टिंग वाले बेस क्लास में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, ठीक है, 1 × 2 माइनस का 1/2, ठीक है, तो 2 × 2 माइनस का 1/2, आंसर 1/2, ठीक है भाई। तुम्हें इसके करने के मार्क्स मिलते हैं, तुम तुक्का भेड़ोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो ये ना हमारा छोटे वाले में चल जाता है, ये छोटे में चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तुम्हें इसी को फॉलो करना होगा, बस में आ रही है। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें इसको ही फॉलो करके चलना है भाई। तुम्हें बताओ ये वाली बातें पता लगी पहले भाई, देखो अगर इन बातों को सीख पाते हो तो उसके बाद ही क्या भाई तुम अगली बात सीख पाओगे, क्योंकि ना हर एक पॉइंट पे ना नई नई बातें आती रहेंगी, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। उसके बाद भाई जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसे देख लो एक बार, या सुनो भाई अगला मेरे पास है जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट, बस मारिए क्या बोला मैंने, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसको बोलते हैं संभव तथा असंभव, निश्चित और अनिश्चित है वो,
अच्छा एक के पास है श्योर, ठीक है, अगला है इम्पॉसिबल, श्योर एंड इम्पॉसिबल, एक होता है निश्चित, अगले को बोलते हैं असंभव, सुनो भाई मेरे पास ये है क्या, श्योर को पहले हम बात करेंगे श्योर के बारे में, श्योर क्या होता है, ठीक है। यहां देखो मैंने ऐसा बोला कि भाई पहले बात करते हैं श्योर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं निश्चित है, ठीक। देखो भाई जो निश्चित घटना होती है ना वो क्या होती है, मैं बोल रहा हूँ श्योर है, पक्का है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल दूं, अच्छा बॉलीवुड देखिए शोले मूवी, उसमें वो क्या कि सिक्का सिक्का सा होता है, उसमें शोले मूवी ना, हाँ, उसमें दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, ठीक। अगर मैं उस सिक्के को छालता हूँ, ठीक है, मतलब तो टोटल चांस कितने हैं वैसे, नॉर्मल में दो ही चांस है, चांस वैसे नॉर्मली दो ही है, ठीक है, एक इधर है एक इधर, फेस दो है, ठीक है, फेस दो है मेरे पास, लेकिन आएगा तो एक ही जैसा, ठीक, चीटिंग हो रही है इसके अंदर, ये तो है ना। तो अब देखो मैं अगली बात बता रहा हूं तुम्हें, मैंने ऐसा बोला कि एक मेरे पास थैला है, ठीक, एक थैले के अंदर मैंने क्या, देखो एक मेरे ना एक मान लो इतनी बड़ी कटोरी सी है, ठीक है, उस कटोरी में मैंने ना हरे नीले काले और पीले कंचे रखे हुए हैं, बस भाई एक कटोरी है, ठीक है, उसमें क्या मेरे पास भाई हरे नीले काले और पीले कंचे रखे हैं। अब मैंने उसमें ना ऐसे ऐसे करके ना ऐसे हाथ डाला, ठीक है, और सिर्फ एक कंचा उठाना है मेरे को, तो टोटल चांस कितने भाई मेरे पास, देखो चार तरीके के कंचे हैं उसमें, ठीक, तो चार में से कोई सा एक आएगा, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक नहीं आ सकती। मैं बोलूँ सिर्फ मैंने हरे कंचे रखे हैं, सिर्फ हरे कंचे, मैं बार बार निकालूंगा, एक ही से तो आएगा ना, ये क्या है निश्चित है फिक्स्ड है कि भाई एक ही ऐसा आएगा, बस में आ गई। अगर मैं ऐसा इसको उठा लूं, ठीक है, फिर मैं उसमें रखा, फिर भाई सिर्फ एक कंचे निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला भाई क्या मेरे पास है फिक्स्ड है, जो चीज मेरे पास फिक्स्ड होती है उसको चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक, तो जो मेरे पास उसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। तो मैंने क्या बोला कि जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा एक होती है, ठीक है। ऐसे ही बोल दो दूसरा मेरे पास जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इसको असंभव बोलते हैं, इसका कितना भाई बस जीरो, बता रहा हूं क्यों, तुम्हें वाला एग्जाम्पल याद है मैं तुम्हें कह रहा था थोड़े पहले डाइस वाला, मैं तुमसे कहता बच्चों मेरे पास एक डाइस है उसको मैं ऐसा करके फेंका, क्या बताओ सात आ सकता है, नहीं आ रहा, सात आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज जिसका आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो होती है, ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वीडियो देख लियो, सुनो सुनो भाई जो अगला पॉइंट मेरे पास है, ये फोर्थ पॉइंट था ना भाई, अगला देख लो पांचवा, देखो जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है भाई उसके बारे में बात करते हैं, कि देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, हम बोले कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज वन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई एक ना मेरे पास कोई भी संप्राय घटना है, ठीक, उसकी जितनी भी चीजें हैं अगर मैं सबको जोड़ता हूँ मेरे पास आंसर वन आता है। इसको तो मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला पहले लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट इवेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है। अब देखो मैं ऐसे ही ना थोड़ा अगर और आगे बढ़ू, जिसको हम हिंदी हिंदी में बोलते हैं तो वैसे भाई कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं घटनाओं का योग
एक होता है, एक इन द सेंस वन, ठीक है भाई ये वन है। अब सुनो, मैंने ऐसा बोला मेरे पास एक डाइस है, पहले तो मैं ना समझा रहा हूँ कॉइन से, ठीक। कॉइन में बस भाई इसमें दो चांस होते हैं, एक हेड है दूसरा टेल है, हम सबको इनकी प्रोबेबिलिटी पता है, एक बटे दो होती है, एक बटे दो, ये निकालना बता चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक। तो मैंने ऐसा बोला भाई एक बटे दो, एक बटे दो ये तो निकलेगा ना, मैं बोला अगर इन दोनों को जोड़ूंगा ना आंसर एक आएगा, देखो एक बटे दो प्लस एक बटे दो, नीचे का नंबर सेम है, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू अपॉन टू, आंसर वन। सेम चीज मैं डाइस में बोल सकता हूँ, ठीक है। देखो भाई वैसे इसमें क्या था, एक दो तीन चार पांच है, एक दो तीन चार पांच छ, इस तरीके से। तो भाई ये जो मेरे पास है ना, मेरे पास देखो सब क्या बोलूंगा, एक आने के चांस कितने हैं, एक बटे छ, ठीक है, इसका भी एक बटे छ, इसका भी एक बटे छ, एक बटे छ। भाई जितने मेरे पास है ना, देखो इस एक बटे छ का मतलब ये है कि अगर मैं डाइस को फेंकता हूं कितने बार आएगा ये मैटर करता है, ठीक है। नंबर कितना लिखा वो मैटर नहीं करता, मैं बोला हूं मेरे पास एक डाइस है, मैं डाइस को से फेंका, ठीक है। डाइस को फेंकते ही मैंने पूछा बच्चों बताओ पांच कितने बार आएगा, एक ही बार तो आएगा ना पांच, ऐसे फेंकूंगा अगर आने के उसके चांस होंगे तो एक ही बार तो पांच आएगा, एक बार फेंकूंगा डाइस को, अगर डाइस को एक बार फेंकूंगा ना से तो एक बार में एक ही चांस आएगा सर, ठीक है। अब मैं सबको जोड़ दूं, सबके नीचे का नंबर सेम है तो इसे एक बार लिख दो और ऊपर सबको जोड़ दो, एक प्लस एक प्लस एक, एक कितने होगा भाई, चार पांच छ। तो भाई ऊपर छ है नीचे भी छह, छह छह कट गया, आंसर कितना आ रहा है एक, बताओ समझ वाली बात है भाई, यही चीजें होती है ये तो मतलब कि इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगली बात समझो भाई, जो तुम्हें ना थोड़ा सा याद करके चलने वाली बात है, ठीक है, वो बात तुम्हारे पास ऐसी है, देखो मैं यहां समझा रहा हूं, या देखो भाई मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास ना, अब अगली बात यह है, किसी भी इवेंट या फिर जो मेरे पास कोई सी घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा जीरो के बराबर, ठीक है, या फिर उससे बड़ी और एक के बराबर या उससे छोटी होती है, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं बात ध्यान रख के चल गई, मान लो कि कोई सी मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे पास हमेशा जीरो से बड़ी, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, जीरो से बड़ी होगी, जिस साइड बड़ा मुंह खुला है उस साइड बड़ा, ठीक है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी या तो वो जीरो से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, बात समझ आ गई। उसके बाद अगला मेरे पास है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ या वो तो एक से छोटी, ठीक है, जो मेरे पास किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो या तो जीरो से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, दूसरा वो एक से छोटी या एक के बराबर होगी, तो मैं इसको याद रख के चलना है, बताओ भाई इसमें किस किस को दिक्कत है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ये बात याद रख के चलो, जिसका ध्यान हटा था उसकी अलग बात जाएगी, वरना जिसने फोकस रखा था उसको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें ना अब कुछ कुछ बातें सिखाऊंगा जो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब सिक्के के बारे में पढ़ लेंगे, सिक्के के बारे में हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में, ठीक है, डाइस के बाद हम आएंगे ताश के ऊपर, ताश के पत्ते, ठीक है, इन तीनों के बारे में सीखेंगे, तो एक एक करके इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक, जिससे क्या जितने भी कंसेप्ट है सारे सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब तो मैं सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन बताता रहूंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। देखो अब भाई पहले हम पढ़ रहे हैं कॉइन के बारे में, जो कॉइन मेरे पास है, अगर देखो कॉइन की बात कर देना, पहले पढ़ेंगे एक सिक्के के बारे में, फिर पढ़ेंगे दो सिक्के के बारे में, तीन चार ऐसे सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन सिक्कों के बारे में पढ़ने के साथ हम पढ़ेंगे ट्री मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे पेड़ वाली विधि ऐसे कुछ, ठीक, नॉर्मली ट्री मेथड है वो, ठीक है। सुनो
पहले मैं बोला भाई एक कॉइन के बारे में, वन कॉइन, एक सिक्के के बारे में बात चल रही है, देखो अगर वन कॉइन के बारे में बात करें, एक सिक्के के बारे में बात करें, तो वो होता क्या है ये चीज समझो। सबसे पहले भाई मैं ऐसा बोल दूं, अगर वन कॉइन है, वन कॉइन में मेरे पास टोटल कितने चांस है आने के, ठीक, इसको समझने से पहले एक फॉर्मूला मेरे पास है, टोटल आउटकम का फॉर्मूला, टोटल आउटकम कुल परिणाम का फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला साइड की पावर एन, मास्टरमारी क्या बोला मैंने, फॉर्मूला मेरे पास क्या भाई, साइड की पावर एन है। पहले समझो यहाँ पे साइड क्या है और उसकी पावर एन क्या है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि बच्चों मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, सिक्के में साइड कितने होते हैं, दो, ठीक है, अगर मैं एक सिक्के को लूंगा तो पावर एक लगाऊंगा, दो सिक्के को लूंगा पावर दो लगाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास ना, मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों बताओ अगर एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है, एक कॉइन है, इसके टोटल आउटकम कितने होंगे, जो कुल परिणाम है कितने होंगे, नीचे लिखूंगा उसमें मैं, ऐसा दो ही होते हैं, दो होते हैं ना, एक हेड होता है उसमें कहलाता है। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहले यहां समझ जाओ एक बार, पहले मैंने बोला कि इसमें क्या कर सकता है, एक हेड आता है, दूसरे पास टेल आता है, ये तो है। अगर ऐसे में दो सिक्के की बात कर दू, टू कॉइन के बारे में, दो सिक्के के अगर बारे में बात करूं, तो भाई क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं दो सिक्के, देखो दो सिक्के का मतलब है या तो मैं दो सिक्के एक साथ उछालू, ठीक है, या एक सिक्के को दो बार उछालू, और मैं सबको लिखता रहा हूं, लिखता रहा हूं, तो क्या क्या चांस आ सकते हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। देखो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है, ठीक है, फिर अगला हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, ठीक, दो चांस बन गए। अगला हो सकता है एक सिक्के में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, अगला ये हो एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड हो जाए। और भाई किसी के मन में ये तो नहीं घटा कर सिक्का खड़ा हो गया तो मन में आता भाई, सुनो हम ना जितना भी फेस है ना उसको लेके चलते हैं, ठीक है, जो फेस है उसको लेके चलेंगे, वो कोई फेस नहीं है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो भाई टू कॉइन, दो सिक्के के बारे में बताया, हेड हेड टेल टेल हेड टेल, अलग है भाई टेल और हेड। तो ऐसे ही मैं बोलूं, अगर मैं इसका टोटल आउटकम है नहीं, एक दो तीन चार, यहाँ देखो अगर एक सिक्के की बात चल रही है, साइड कितने हैं सिक्के में, सिक्के में साइड कितना था, दो, एन, एक सिक्के के बारे में बात चली। अगर ऐसे ही दो सिक्के के बारे में बोल दूं, दो, ठीक है, कितने साइड है इसके, देखो दो सिक्के लेके चल रहा हूं ना मैं, साइड तो दो ही होते हैं, तो पावर लगाऊंगा दो, तो दो दूनी चार, इसका एक, ठीक है, बस मांगी, इसमें दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सिक्के बढ़ाऊं, ठीक है, मैं बोला भाई मैं तीन सिक्के लेकर चल रहा हूं, अगली बात उसके कितने आएगी भाई, तीन सिक्के वाली, थ्री कॉइन, ठीक है। देखो भाई जो तीन सिक्के मेरे पास है, देखो भाई अगर तीन सिक्कों को मैं साथ लेकर चलूं, इसमें क्या क्या बातें आएंगी वो वाली चीज समझो। सबसे पहला भाई तीन सिक्के का हमने जो टोटल आउटकम है पहले उसे निकालते हैं, यहां देख लो ये थोड़ा टफ है, ठीक है, तीन की बात चल रही है, दो की पावर तीन, ये बात समझ आ रही है, दो की पावर तीन है भाई, तो दो गुने में दो गुने में दो, दो दुनी चार दुनी आठ, आठ आ रहा ना भाई। देखो मैं कर कैसे रहा हूं वाली बातें सीखो, आठ है ये, ठीक है, आठ को पहले दो से डिवाइड करो, चार आ गया, तो एक दो तीन चार, चार हेड चार टेल, एक दो तीन चार, ठीक है, फिर उसको दोबारा दो से डिवाइड करो, दो दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, ठीक है, फिर दो को दो से डिवाइड कर दो, एक एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, समझ गए, ये वाली बात होती है। अगर ऐसे में फोर कॉइन के बारे में बताऊं, अगर चार सिक्के में लेके चलू ना, देखो भाई दोबारा
चार के बारे में बात चल रही है तो वो तो सेम रहेगा, चार साइड है, ठीक है। कितना भाई, दो गुने में दो गुने में दो गुने में दो, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह, सोलह है, ठीक है। अगर सोलह है पर इसको दो से डिवाइड करो, आठ आ रहा है, आठ हेड आठ टेल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हेड, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ठीक है, आठ हेड आठ टेल हो गया। अगला फिर दो से डिवाइड करो उसे, चार आ रहा है, चार हेड चार टेल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। फिर अगर इसको भाई मैं दोबारा से दो से डिवाइड कर दूं, नॉर्मली क्या बात पड़ेगी, दो दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, ठीक है। फिर दो दो से कर दो, एक आएगा, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ठीक है। बोलो भाई सिक्के वालों में किस किस को दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं किसी को, भाई तुम्हें ये आना चाहिए, इसको लिखने में प्राण भर आते लोग। तुम्हें देखो ये तुम्हें जो बातें मैंने अभी बता दी ना, अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलो, इनकेस तुम ना कोई सा मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो ना, तो उस एग्जाम की बैंड बज सकते हो आराम से, समझ गए। इसके मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन होते कैसे, वो वाली बात समझ जाओ, ठीक है। सुनो पहले मैं बोल दूं भाई, देखो ये बात समझ गए सबको, ये बात क्लियर है ना, इन फॉर्मुलों को लिख लो पता लग जाएगा कैसे, ठीक है। वही साइड की पावर एन है और कुछ नहीं है, बस सबको दो से डिवाइड करते चलना है भाई। मैंने कहा ना कुछ कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक सिक्के वाला करवा दिया मैंने क्वेश्चन, जो एक सिक्के क्वेश्चन है हो चुका है वो, ठीक है भाई। इसको कोई देख के छापने की सोचेगा, नहीं छापाएगा पहली बार हूं मैं, वो बहुत भटकेगा, ठीक है। अब सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, दो सिक्के के बारे में आते हैं, मैं तुम्हें दो सिक्के के बारे में, फिर जो चार सिक्के हैं उनके बारे में समझा दूंगा, कुछ बातें समझाऊंगा, सिर्फ कुछ कुछ बातें समझाऊंगा, उसके बाद ना बाकी चीजें तुम खुद कर पाओगे, इतने कैपेबल हो जाओगे कि भाई कुछ चीजें कराने के बाद बाकी तुम खुद कर सकते हो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ बच्चों हम कर रहे हैं टू कॉइन के बारे में, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा भाई टू कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा होगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, ऐसा लिखा, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा, या फिर वो ऐसा बोल देगा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ऐसा बोल सकता है वो, ठीक है। अब तो भाई जो टू कॉइन है, दो सिक्के हैं जो मेरे पास, इसके बारे में बात चलती है, ठीक है भाई। सुनो ना, पहला क्वेश्चन हमसे जो बोला है वो बोला है कि, उसने बोला है कि ओनली हेड, ओनली हेड, ठीक है भाई, समझो सिर्फ हेड आना चाहिए, ठीक है, केवल हेड आए, ठीक। अब भाई देखो मैं तुमसे अगला बोल दूं, मेरे पास सिर्फ हेड है, फिर मैं अगला बोलूं दूसरा ओनली टेल, ठीक। फिर मैंने चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोला कि भाई मेरे पास ना जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन हेड, ठीक, कम से कम मतलब कि एक हेड, कम से कम एक हेड, समझे। फिर भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो उसके आगे के ऊपर आल तो हो जाते हैं। अगला बोल दूं मैं चौथा, एट मोस्ट वन हेड, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूं भाई, अधिक से अधिक, या फिर अधिकतर भी लिखा हो सकता है वो, अधिक से अधिक एक हेड भाई, ये बात समझ आ रही है। देखो अगर ना नॉर्मली इन्हें बोले हम, ठीक है, तो क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं भाई, वो सारी चीज देखो एक बार, ठीक है। देखो भाई देखो भाई हमारे पास ना नॉर्मली मैंने छह पॉइंट लिए, तो मैं पैसा दूं, उसने बोला सिर्फ हेड, दो कॉइन की बात चल रही है ना भाई, सिर्फ मैं तुम्हें दो कॉइन का समझाऊंगा, बाकी तुम खुद समझ जाओगे ऐसे, ठीक है। देखो
उसने बोला सिर्फ हेड आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना तो कैसे करेंगे भाई, हम ना पहले लिखेंगे फॉर्मूला इसका। मैंने हमेशा बोला है कि हर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होना चाहिए, इसके भले कितने पॉइंट हो लेकिन एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखो मैंने सिर्फ पहला जो पॉइंट है ना भाई, उस पहले पॉइंट में क्या बता रखा है कि ओनली हेड, सिर्फ हेड होना चाहिए। तो भाई मैं देख रहा हूं, मैं गैप जब भी हम ऐसा करेंगे ना, जितने सिक्के वाला होगा हम पहले उतने सिक्के का बनाएंगे। उसने बोला सिर्फ हेड हो और कुछ ना हो, ठीक है। तो ओनली हेड सिर्फ एक बार है, एक ही बार तो है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, देखो टोटल कितने है पास, इसके टोटल आउटकम चार है, पता ना, एक दो तीन चार, टोटल चार है, तो चार लिखा है ऐसे, ठीक है। ऊपर कितना भाई, एक है, कितने बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है, पता ना एक बार का है भाई, ये एक बार का है, ये सब एक एक बार के हैं, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने बोला सिर्फ हेड होना चाहिए, सिर्फ हेड आना चाहिए, सिर्फ हेड कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक, देखो दो सिक्के उछाले मैंने, मैं बार बार सिक्के उछाल रहा हूँ, ठीक है, उसमें टोटल चांस लिख लिया मैंने, ठीक। तो सिर्फ हेड कितने बार आ रहा है, एक बार, तो एक बटे चार इसका आंसर है। इसको तुम पॉइंट में भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। दूसरा उसने बोला ऐसे ही ओनली टेल, ठीक है। तो उसने दूसरा क्या बोला है कि भाई ओनली टेल होना चाहिए, ओनली केवल टेल हो, तो उसका भाई एक बटे चार आ जाएगा। अगला भाई ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट वाले, उसने बोला कि कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि भाई एक हेड तो हो, ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। मान लो भाई तुम अपने पापा से बोलते हो कि पापा पैसे दे दो, ठीक है। तुम पापा पूछते हैं भाई कितने चाहिए, ठीक है। तुमने बोला कि देखो मैं ऐसा बोलूं कि तुमने बोला कि कम से कम पांच रुपए दे दो, कम से कम पांच रुपए का मतलब क्या है, उससे ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, ये तो होता है, ठीक है। तो वही बात है मेरे पास भाई, जो तीसरा जो मेरे पास पॉइंट है उसमें है एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। मैं इसको लिख लेना, ठीक है, क्या मेरे पास एटलीस्ट चार तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, ठीक है। देखो कौन कौन सा है, एक तो ये टेल हेड वाला आ गया, ठीक है, दूसरा हेड टेल वाला आ गया, ठीक, और तीसरा हेड हेड आ गया, समझे भाई। उसने बोला है कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक, कम से कम एक हेड आ गया, तीन बटे चार, समझे। अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसने बोला एटमोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड हो, उसने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, इसका मतलब होता है हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्या बोला उसने, ज्यादा से ज्यादा कितना हो भाई, एक हेड हो, और हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक। तो मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ वाला, उसने बोला एटमोस्ट वन हेड, तो भाई इसके बारे में बोलो ना, मेरे पास चार है, तो एटमोस्ट वन हेड में देखो उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ठीक है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, इसमें हेड नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है हेड होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी चलेगा, समझे। अब तो भाई मेरे पास कितना है, एक है मेरे पास टेल टेल, ठीक है, अगला है हेड टेल, फिर टेल हेड, तो भाई मेरे पास कितना है, तीन बटे में चार है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई, ये वाली बातें होती है हमारे पास। अगर मैं इस पे आऊं ना भाई, कम से कम एक हेड हो, ठीक, मैं ऐसा बोल दू, अगर इस वाले पे आ जाऊं मैं कि भाई एटलीस्ट वन हेड, तो पहले देखूंगा कितने हैं भाई, इसको ना गिनने वाले बैठ जाना तुम, इसका तो मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ टोटल आउटकम का, उसमें चार सिक्के हैं, ठीक है, तो दो लिखा है, इसकी पावर चार है, समझे क्या बोला मैंने, तो इसका मैं यहाँ पे दो लिखा है और पावर कितनी इसकी, चार है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई हम निकाल लेंगे इस तरीके से, अभी तुम्हें साइड में सिखाया था मैंने, ठीक है। अब देखो तो भाई मेरे पास यहाँ पे पहले मैंने बोला कि कम से कम इस वाले में आ रहा हूँ चौथे वाले में, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड का मतलब सिर्फ ये निकल के आ जाता है, जैसे मान लो भाई कि उसने बोला कम से कम एक हेड हो, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है भाई, देखो सब में, सिर्फ इस वाले में नहीं है। कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है, एक हेड हो तो ठीक है, ठीक है, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, इसमें दिक्कत है किसी को भाई। देखो अब ना जो बाकी के जो दो हैं, बाकी कौन कौन से दो हैं, एक तुम्हारे पास है मान लो डाइस वाला, ठीक है, उसका जो अगला है हमारे पास ताश के पत्तों वाला, ठीक है, ये सारा हम करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है भाई, सुनो डाउन क्लोज है सर कुर्ती में।